गोहाना में जाट आरक्षण की अगली रणनीति को बुलाई गई 5 जिलों की पंचायत में हंगामा हो गया। जाट नेता अशोक मलिक ने जाट नेता यशपाल मलिक को बाहरी बता डाला। आरक्षण के लिए आगे की रणनीति पर मंथन के लिए 5 जिलों के जाट नेताओं की पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन ये पंचायत अचानक संग्राम में तब्दील हो गई। जाट नेता अशोक मलिक ने यशपाल मलिक पर गंभीर आरोप लगाए। यशपाल मलिक जिस भी इसमें समिति में घुसा है उसी में घुसपैठ करके इसको निकाल दिया गया। हवा सिंह ने अपनी समिति से निकाला, जाट सभा ने अपनी समिति से जाट सभा से निकाला और ये है सौदागर, ग्लोबल मिशन बना गया, विदेशों से चंदा ऐंठने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ एक तबका अशोक मलिक को सरकार का नुमाइंदा बता रहा था। हालांकि इस दौरान आगे की रणनीति भी बनाई गई। आरक्षण को लेकर जाट दिसंबर में 3 रैलियां बुला रहे हैं जिसकी शुरुआत गोहाना से होगी। और दिसंबर में हम लोग एक बड़ी रैली का आज निर्णय लें, गोहाना में ही एक बड़ी रैली होगी 5 जिलों की और उस रैली के बाद आंदोलन की शुरुआत होगी। आरक्षण को लेकर जाट नेता अगली रणनीति जरूर बना रहे हैं, लेकिन संघर्ष समिति के नेता आपस में ही उलझ रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के बीच जाट नेता सरकार पर दबाव बनाने में कितने कामयाब हो पाएंगे ये देखना होगा। सोनीपत से राजेश खत्री के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया हिसाब। 28 नवंबर को दिल्ली में होने वाली पिछड़ा वर्ग की रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी ने पूरा जोर लगा रखा है। उनके निशाने पर कांग्रेस भी होंगे और जाट भी होंगे। हरियाणा में ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर उभरे बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली की तैयारियों में जुटे हैं। इस रैली में ओबीसी वर्ग हुंकार भरेगा और 28% ओबीसी के कोटे में किसी भी तरह की छेड़खानी का विरोध करेगा। 27% आरक्षण के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है और यदि आरक्षण का रिव्यू करना भी है तो हम इस बात के पक्षधर हैं कि हर अगर जाटों को आरक्षण देना है तो सभी बिरादरियों को आरक्षित कर दिया जाए। हरियाणा में इस वक्त डिप्टी सीएम को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है, लेकिन सैनी इसके पक्ष में नहीं है। कुर्सी के दो टुकड़े करने के बजाय जो हमारे पास मुख्यमंत्री हैं वही सफिशियंट हैं और मुख्यमंत्रियों बनाने की जरूरत नहीं है। आज जाट की बात आप कर रहे हैं, कल को हरिजन की बात आ जाएगी, परसों को पिछड़े वर्ग की बात आ जाएगी, इसलिए सभी कुर्सियों का एक ही कुर्सी बहुत है। जो मनोहर लाल जी खट्टर हमारे बढ़िया काम कर रहे हैं। सैनी जाटों का ओबीसी में शामिल होने पर विरोध कर रहे हैं, यही कारण है कि जाट और सैनी आमने सामने हो गए हैं। सैनी की इन्हीं बयानबाजी को लेकर बीजेपी के निशाने पर जाटों को रखा गया है। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्रा। सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मनोली में रेत खनन जोन को रद्द कर दिया है। इसके अलावा सीएम ने सोनीपत के किसानों की जमकर तारीफ भी की। रविवार को सोनीपत पहुंचे मुख्यमंत्री ने खेतों में जाकर पोली हाउस, मशरूम और बेबी कॉर्न की खेती की जानकारी। सीएम ने किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि यहां का किसान आधुनिक खेती से मुनाफे का बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहा है। कृषि प्रधान होते हुए भी किसानों को नई नई टेक्निक, नए नए प्रकार का जो खेती करने का उनका अनुभव, ये अपने आप में बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है और मैं समझता हूँ इस विषय को लेकर के जो मनोली के किसान हैं ये अपने आप में एक उदाहरण है। इस गांव को पहले रेत खनन जोन घोषित किया गया था जिसका यहां के किसानों ने विरोध किया, जिसके बाद अब सीएम खट्टर ने इस क्षेत्र को रेत खनन जोन घोषित करने का ऐलान कर दिया। हमारी उपजाऊ जमीन को खराब करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। उस समय तो केवल जानकारियां हमको मिली, यहाँ का वर्णन सुनने को मिला, उस वर्णन से इतना प्रभावित हुए हमने कहा कि ठीक है यहाँ की जो खान है इसको रद्द करते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र को एग्रो टूरिज्म में शामिल करवाने की दिशा में सरकार काम करेगी। साथ ही सीएम खट्टर ने इस क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोले जाने की भी बात कही। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रमुख कुलदीप बिश्नोई ने उन कयासों को अफवाह करार दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कुलदीप बिश्नोई फिर से पार्टी को खड़ा करने में जुटे हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में शामिल होंगे। जब यही सवाल उनसे पूछा गया तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। राहुल गांधी से मिले आपकी मुलाकात तो दोबारा चर्चा में ऐसा है, जब से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ है इस प्रकार की अफवाहें तब से चलती आ रही है। दरअसल कुछ समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, यही वजह है कि आप उन्होंने इन अटकलों को अफवाह बता दिया है।
कुलदीप बिश्नोई जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। आर्थिक रूप से आरक्षण के हक में हूँ, चाहे वो जाट है, चाहे वो बिश्नोई है, चाहे ब्राह्मण है। नीडी को जरूरतमंद को मिलना चाहिए, अगर किसी को जरूरत है, चाहे वो ब्राह्मण का बच्चा है, चाहे वो श्रेणियों का बच्चा है, चाहे दलित का बच्चा है, चाहे जाट का बच्चा है, चाहे बिश्नोई का बच्चा है, जरूरतमंद को मिलना। जींद में कुलदीप बिश्नोई ने खट्टर सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मंशा सही हो तो ही काम होते हैं, लेकिन इस सरकार की काम करने की मंशा ही नहीं है। जींद से राजकुमार गोयल के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। ओआरओपी को लेकर केंद्र सरकार से नाराज चल रहे पूर्व सैनिकों ने आज अंबाला छावनी में महासंग्राम रैली की। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने मोदी सरकार से अपना हक मांगा। ओआरओपी की मांग को लेकर पूर्व सैनिक फिर से सड़कों पर हैं। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है, लेकिन पूर्व सैनिक ओआरओपी के नोटिफिकेशन से संतुष्ट नहीं है। नाराज सैनिकों ने अंबाला छावनी में एस सर्विसमैन वेलफेयर कमेटी के बैनर तले महासंग्राम रैली का आयोजन किया। इस महासंग्राम रैली में देश भर से सैनिक जुटे थे। सैनिकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं मेजर जनरल सतबीर सिंह ने ओआरओपी को अपना हक बताया। सैनिक ओआरओपी की मांग को लेकर अपने मेडल भी लौटा चुके हैं, लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर का कहना है कि बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर दिया है, मगर सैनिक सरकार से संतुष्ट नहीं है। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होने के बाद बीजेपी के हमले तेज हो गए हैं। ऊना पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम के इस्तीफे की मांग की है। ऊना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सती ने इस मीटिंग के जरिए एक साथ दो निशाने साधे। एक तो पार्टी कार्यकर्ताओं को नगर परिषद और पंचायत चुनावों में जीत के लिए टिप्स दिए और साथ ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे के लिए चलाए जा रहे अभियान को भी आगे बढ़ाया और कहा कि सीएम के इस पद पर रहते निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जब तक वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री के पद के ऊपर बैठे हैं, तब तक उन केसेस में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। उधर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर ने भी वीरभद्र सिंह पर निशाना साधा और कहा कि सीएम ने जो घोटाला सेब बागान के जरिए किया है उसकी जांच जारी है और निष्पक्ष जांच के लिए युवा मोर्चा भी सीएम के इस्तीफे की मांग करता रहेगा। पहले से ही सीबीआई उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है। किस प्रकार से 45 लाख के सेब उनके बढ़कर 6.5 करोड़ के हो जाते हैं, ये पूरी तरह से पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। सीएम वीरभद्र सिंह ने शनिवार को ही बीजेपी को उनके खिलाफ जांच की कमान एफबीआई को सौंपने की चुनौती दी थी। ऐसे में बीजेपी का ये आंदोलन क्या असर दिखाता है, ये देखना होगा। ऊना से राकेश मल्ली के साथ जसपाल सिंह, जी मीडिया। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में एसजीपीसी का 50वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया और मंजीत साहिब हॉल में रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए और एसजीपीसी की कामयाबी की अरदास की गई। सिखों की सर्वोच्च संस्था है एसजीपीसी। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को गुरुद्वारा साहिबान के रख रखाव, गुरुद्वारों के प्रबंध और सिख कौम के सामने आने वाली मुश्किलों के हल के लिए चुना गया था। आज इसकी स्थापना के 95 साल पूरे हो गए हैं। एसजीपीसी के 95 स्थापना दिवस पर सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के मंजी हॉल में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। समूह सिख संगत को बधाई दी गई और इस संस्था की उन्नति के लिए अरदास की गई। आने वाले समय वास्ते भी यही कामना करते हैं कि इस अदारे दे विच रहने वाले भी गुरमुख प्यारे नाम बाणी सेवा सिमरन दे धारनी होण, उच्चियां सुच्चियां कदरां कीमतां दे धारनी होण,
अब तक के 95 साल के इतिहास में श्रोमणी कमेटी के चुने हुए 175 सदस्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के गुरुद्वारों की देखरेख के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र के साथ साथ मानवता की सेवा निभा रहे हैं। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ नेहा सलारिया, जिंदगी। अमृतसर से दुबई जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। स्पाइस जेट की ओर से अमृतसर और दुबई के बीच सीधी फ्लाइट की शुरुआत कर दी गई। अमृतसर के गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब आपको सीधे दुबई के लिए फ्लाइट मिलेगी। अब आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रविवार यानी 15 सितंबर से इसकी शुरुआत हो गई है। अमृतसर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा कि स्पाइस जेट ने दुबई के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की है। अब उम्मीद है कि जल्द ही यहां से बाकी देशों के लिए भी सीधी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। वी वेलकम फर्स्ट दुबई अमृतसर इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट इन दिस गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिस इज अ गुड स्टार्ट एंड देन वी आर ट्राइंग फॉर मोर एंड मोर इंटरनेशनल कनेक्शंस फ्रॉम दिस अमृतसर एयरपोर्ट। अमृतसर से दुबई के लिए उड़ान भरने वाली स्पाइस जेट भारत की पहली निजी विमानन कंपनी बन गई है। एंड हमें बड़ा गर्व है ये बताते हुए कि हम पहले भारतीय एयरलाइन हैं, भारतीय प्राइवेट एयरलाइन है जो कि अमृतसर को दुबई से डायरेक्ट कनेक्शन दे रहे हैं। स्पाइस जेट की इस सुविधा से दुबई जाने वाले लोगों का ना सिर्फ समय बचेगा बल्कि उनके पैसों की भी बचत होगी। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। फ्रांस में आतंकी हमले पर पेरिस पुलिस ने एक नया खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक एक आतंकी के पास फुटबॉल मैच का टिकट था। वहीं स्टेडियम के अंदर मौजूद प्रेसिडेंट ओलांद ने रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान खुद संभाल रखी थी। ये तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, लेकिन पेरिस पुलिस अब इस आतंकी हमले से जुड़े नए तार तलाश रही है। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि स्टेडियम में धमाकों के बाद राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने खुद मोर्चा संभाल लिया था। ओलांद ने इस दौरान स्टेडियम में बने कंट्रोल रूम में ही देश की सुरक्षा का जायजा भी लिया। ओलांद 80,000 लोगों के साथ जर्मनी और फ्रांस के बीच फ्रेंडली फुटबॉल मैच देख रहे थे। पेरिस पुलिस के मुताबिक एक आतंकी के पास नेशनल स्टेडियम के अंदर चल रहे फुटबॉल मैच का टिकट था, उसने बाहरी ब्लास्ट किया। पेरिस आतंकी हमले के सिलसिले में पुलिस ने बेल्जियम के ब्रुसेल से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। नोबल शांति पुरस्कार और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बिहार चुनाव परिणामों में इंसानियत की जीत बताने वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है। एक ओर कांग्रेस जहां दलाई लामा के बयान को लपकते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है, वहीं बीजेपी ने दलाई लामा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के पंजाब के जालंधर में दिए गए एक बयान ने राजनीतिक हलकों में गर्माहट ला दी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ लोग और राजनीतिक पार्टियां भले ही असहिष्णुता फैला रही हों, लेकिन हर हिंदुस्तानी ऐसा नहीं है। बिहार चुनाव इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। As I mentioned earlier, I think a few individual political interest or party politics is sometimes it happens. Bihar election, I think shows the majority of Hindu people still believe harmony. वहीं जेडीयू ने दलाई लामा के इस बयान को दक्षिण पंथियों पर हमला बताया। मैं धर्मगुरु श्री दलाई लामा के वक्तव्य की सराहना करता हूं। उनके द्वारा की गई टिप्पणी दक्षिण पंथियों पर करारा हमला है। दलाई लामा ने भले ही अपने बयान में किसी भी राजनेता और किसी भी राजनीतिक पार्टी का जिक्र ना किया हो, लेकिन उनके ये बोल अनेक राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान बीजेपी जैसी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। यमुनानगर के पाजूपुर गांव में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। यहां पर गौ रक्षकों ने गौ तस्करों को रोकने की कोशिश की और इस दौरान गौ तस्करों ने फायरिंग कर दी और एक गौ रक्षक घायल हो गया। हरियाणा में गौ संवर्धन कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, बावजूद इसके प्रदेश में गौ तस्करी जारी है। इस बार मामला यमुनानगर के पाजूपुर का है, जहां तस्करों को गौ रक्षा दल ने रोका तो तस्करों ने इन पर फायरिंग कर दी। इस हमले में एक गौ रक्षक घायल हो गया। जैसे हमने उनको टॉर्च देकर रुकने का सारा किया, उनमें से एक बंदे ने हमारे ऊपर तुरंत 2-3 राउंड गोली दाग दी, जिसमें हमारे गौ रक्षक लोग शर्मा के हाथ पर गोली लगी उसके हाथ में। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने गौ रक्षकों की शिकायत पर अज्ञात गौ तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अभी उनके ऐसी स्टेटमेंट है, बाकी तस्दीक करने पर जो भी बात सामने आएगी
उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी यमुना नगर में गौ तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कानून होने के बावजूद गौ तस्करी पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही। यमुना नगर से वीना रानी के साथ श्रमित चौधरी, जी मीडिया। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में रहने वाली एक दसवीं क्लास की छात्रा के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। फरीदाबाद में एक बार फिर एक छात्रा रेप का शिकार हुई। घटना पर्वतीय कॉलोनी की है। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब छात्रा घर पर अकेली थी। बताया जा रहा कि पड़ोस का रहने वाला एक लड़का जो उसी का क्लासमेट था, उसने लड़की के अकेले होने का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती की। पुलिस की माने तो आरोपी ने ना सिर्फ बलात्कार किया बल्कि किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। हालांकि वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया, लेकिन कानून के शिकंजे से ज्यादा देर तक बच नहीं पाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और इसी का एक साथी है, जिसके क्लास में पढ़ता है, पर्वतीय कॉलोनी, उसने इसके साथ लगा है। तो गिरफ्तार किया जा चुका है आरोपी। हाँ जी, अभी तो फरीदाबाद में लड़कियों के खिलाफ बढ़ रहे अपराध की घटनाएं इस बात की तस्दीक करती हैं कि लड़की फरीदाबाद में सुरक्षित नहीं है। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। बीसीसीआई द्वारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत में खेलने का न्योता देने के बाद एक बार फिर क्रिकेट में राजनीति का दौर शुरू हो गया है। हालांकि बीसीसीआई ने आज साफ कर दिया कि अभी भी उसे पीसीबी से अपने इस पेशकश पर जवाब का इंतजार है। अगर पीसीबी ने बीसीसीआई की पेशकश मान ली तो मुमकिन है कि दिसंबर में पाकिस्तानी टीम भारत में फिर एक बार क्रिकेट खेलती नजर आएगी। बीसीसीआई ने माना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के रिश्ते फिर बहाल हो सकते हैं, बशर्ते पाकिस्तानी टीम भारत में आकर खेले। हालांकि अभी उसे पीसीबी के जवाब का इंतजार है। सरकार की अनुमति देने, सरकार क्या इस पर चाहती है? सबसे पहले तो जो पाकिस्तान को तैयार होना चाहिए जो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज हो या नहीं, इसे लेकर बहस एक बार फिर छिड़ गई है। यहाँ पाकिस्तान जो रोज हमारे देश में सीमा पार करके और देश के अंदर दुनिया भर के कुकर्म कर रही है, तो ऐसे देश के साथ हम क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? आज चंडीगढ़ सेक्टर 8 में एंटी ड्रग रन का आयोजन किया। इस दौरान बच्चे, नौजवान और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया और लोगों को ड्रग से दूर रहने के लिए जागरूक किया। से नो टू ड्रग्स कहते ये बच्चे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ड्रग्स हमारी जिंदगी के लिए कितना खतरनाक है। दरअसल चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में ड्रग्स के खिलाफ एक रेस का आयोजन किया गया। ये रेस सेक्टर 8 के बैंक से स्टार्ट हुई और इस रेस में क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, सब दौड़ते नजर आए। सारे ही यंग बच्चे नशे में पड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें अभियान छेड़ना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए नशे से। रेस को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। रेस में करीब 500 लोगों ने हिस्सा लिया और आयोजकों की तरफ से सभी को कैप और टी शर्ट दी गई थी। एक जागरूकता पैदा करें बच्चों में, बुजुर्गों में भी, जवानों में। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ काफी लोग इस संख्या में उपस्थित हैं इस दौड़ के लिए। तो हमने उस जागरूकता पैदा करने के लिए 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की विभिन्न दौड़े आए। दरअसल पंजाब और चंडीगढ़ के युवाओं को नशे ने खोखला कर रखा है। एक तरफ जहां सरकार ने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है और दूसरी तरफ इस तरह के कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक किया जाता है। रविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। हिमाचल के डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर वी के जोशी ने अपने रिसर्च में पाया है कि कद्दू के बीज हृदय रोग में कारगर साबित हो सकते हैं। दरअसल एक रिसर्च में सामने आया है कि कद्दू के बीज हार्ट के पेशेंट के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। मिलियन से इनका नाम है वी के जोशी, जो प्रोफेसर हैं हिमाचल की डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर जोशी का दावा है कि कद्दू के बीजों में हृदय रोग को ठीक करने की क्षमता होती है और ये बीज हृदय में LDL नाम की चर्बी को कम कर देते हैं। बीज कद्दू के में एक लिनोलिक एसिड और ओलेइक एसिड होता है, ये दोनों चीजें मिलके LDL को कम करते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, उनको कम करते हैं हमारे शरीर में। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 50 लाख से अधिक लोग हृदय रोग के कारण मरते हैं। ऐसे में कद्दू के बीज हृदय रोग के हृदय रोगियों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं।
विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। नहाए खाए के साथ बिहार, पूर्वी यूपी और पूरे भारत में छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। घाटों पर श्रद्धालुओं के भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश भर में दिवाली के बाद अब महापर्व छठ की धूम दिखाई देने लगी है। बिहार हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली, हर जगह नहाए खाए के साथ ही चार दिन तक चलने वाली छठ की रौनक दिखाई देने लगी है। बिहार की राजधानी पटना में चहल पहल का कुछ और ही नजारा है। लोग सूर्य की आराधना कर रहे हैं। शहर में अलग अलग घाटों पर व्रत रखने वालों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। औरंगाबाद में भी लोगों ने नदी में डुबकी लगाई और व्रत के पकवान तैयार किए। लोक आस्था का पर्व आज छठ पूजा है और आज के दिन नहाए खाए है, आवाज से छठ जो है शुरू हो गया है। आज नहा खाए चालू हो गया है, इसलिए हम लोग गंगा जी पानी भरने आए हैं। दिल्ली में भी छठ पूजा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यमुना में भी बैरिकेटिंग की गई है, घाट सजाए गए हैं, लेकिन यमुना का पानी बिल्कुल काला और बदबूदार है। बहुत गंदा है। आप ये बता रहे हैं कि वो हरियाणा से पानी छोड़ा जाएगा मुनक नहर से, तो ये कल या परसों तक ये सारा जो है ये बह जाएगा और साफ पानी आएगा। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद मनाया जाने वाला महापर्व छठ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है। मान्यता है कि छठ पर्व में सच्चे मन से आराधना करने पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।